अबू को बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत ये फर्स्ट हमारा जो है ये भाई रमजान है, रोजे हैं, वरना मिठाई से मुंह मीठा होता, लेकिन ये जरूर होगा और बिल्कुल जो है ना मेरी अम्मी को भाई मुबारकबाद। वही है असल में रमजान है, थोड़े सुस्त चल रहे सभी सर भाई, अफसोस हुआ सुन के, मुझे तो सुन के अफसोस हुआ, दिल से सच बता रहा हूँ, बड़ा अफसोस हुआ। कल ऐसा हुआ कि ये मछलियाँ खुल रही थी, मछली दो बार बार भाग के आ रही थी, मोबाइल नहीं ले लो नहीं ले लो, अमित ने ले लिया है भाई, ओए होए होए, लोगों की मोहब्बत है जो ले लिया है मैंने, हाँ इसीलिए तो नहीं, इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का भाई सबसे पहले मैं पहले ही बता दूं, बहुत स्पेशल व्लॉग है मेरे लिए ही नहीं सिर्फ आप सबके लिए, मैं समझता हूं जितने भी जो है करीम स्कैटल फार्म के जो फॉलोअर हैं वो मेरा ख्याल है मेरी इस आज इंशाल्लाह खुशी में बहुत खुश होने वाले हैं, लेकिन वो खुशी क्या है, वो क्या मामला है, वो चल के आगे चल के बताएंगे। और थोड़ा सा मैं माजरत करना चाहूँगा, दो दिन से वीडियोस नहीं आई, थोड़े से मसरूफियत थी, और मैं फार्म हालांकि परसों आया था और परसों वीडियो भी बनाई, वो थोड़ी छोटी बनी थी, रोज़ा था शायद उस दिन लग रहा था, एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाला रोज़ा मतलब व्लॉग लग रहा था, तो इसलिए मैंने फिर वो मतलब नहीं किया ना नहीं डाला। हुआ ये कि फिर उसके अगले दिन मैं MH कैटल फार्म जाना था, तो वहाँ का व्लॉग है वो इंशाल्लाह वो कुछ दिन बाद खैर आ जाएगा। अभी सीन ऐसा है कि फार्म पे हैं और फार्म पे अभी हम करते हैं ज़रा वीडियो जानवरों को, मैं देखता हूँ क्योंकि नसर भाई लोगों ने माशाल्लाह से कोई पता नहीं 25-30 माल नहलाया है, दो दिन से नहला रहे, और नहलाने की एक तो वैसे तो नहलाने की तरतीब वैसे तो बन गई थी, लेकिन ख़ास अभी कुछ दिन से नहलाने की तरतीब की है, वो क्यों ख़ास की है वो इंशाल्लाह हमारे समीद और मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आपको आगे चल के पता चल जाएगा क्यों जो है ये इतना अहतमाम से सारे जानवरों को नहलाया गया है। बाकी आज तो भाई फार्म पर अम्मी अबू भी आए हुए, ज़रा उनको जानवर वगैरह भी दिखाए हैं, और वो लेकिन ख़ास वो जो आज का व्लॉग है ना अभी आगे चल के पता चलेगा वो ख़ास क्या बात है इंशाल्लाह, तो उस वजह से आए हैं वो तो स्पेशली। बाकी ये है कि भाई अभी जानवर देखते हैं, नहलाए जानवरों में चमक आई है, कितना फ़र्क लगा ये लोग आप लोग बताएंगे, और बाकी ये जो आगे चल के न्यूज़ आने वाली है ना इंशाल्लाह बहुत स्पेशल सी है, सरप्राइज है सरप्राइज। ओए 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 सबीद भाई ने आके अनाउंसमेंट करी है, सरप्राइज है सरप्राइज, तो अभी ये सरप्राइज इंशाल्लाह कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा, आप लोग वीडियो में जुड़े रहें इंशाल्लाह। बाकी अभी जानवर देखेंगे और जो काफ़ी दिन से नहीं दिखाए वो जानवर ज़रा निकलवाते हैं और वो देखते हैं और प्रोग्रेस कैसी हो रही है आप लोग भी देख के बताएंगे इंशाल्लाह। बाकी भाई रमज़ान कैसे चल रहे हैं, मिड होने वाला है बस रमज़ान का, और बस ईद आ जाएगी उसके बाद सीज़न है, तो ज़रा तैयारी पकड़ लें, सीट बेल्ट बांध लें, फुल जो है ना ऑन होने वाला है इस दवा का सीज़न और भरपूर शौक होगा। चले अब बहुत ज़्यादा इंट्रो लंबा ना हो जाए, बाकी जानवर देखते हैं और आगे जो अनाउंसमेंट आएगी उसका ज़रूर आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों को ये न्यूज़ कैसी लगी। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों भाई जानवरों में भी चलते हैं ज़रा, एक ये भी है भाई, भूसा भी मैंने और डलवा लिया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रेट में माशाल्लाह गोराम भाई जो है ना काफ़ी मुनासिब रेट में दे रहे थे, तो मैंने हिम्मत की मैंने बोला थोड़ा और तकरीबन 150 मन और माशाल्लाह से डलवा लिया, तो हो सके तो आप लोग भी देख लें। इस टाइम पे रेट नीचे हुए हैं, सुनने में आ रहा है कि रेट फिर से ऊपर चले जाएंगे, कोई 1000+ में चले जाएंगे, लेकिन अभी ये कि आप उनसे रابطہ करें और काफ़ी मुनासिब रेट में और काफ़ी अच्छी तूड़ी है, तो खैर थोड़ा सा पानी लगाया है अभी इसको ना, इसको अभी थोड़ा सा हल्का ताकि उड़े ना ज़्यादा, हवा तेज़ चल रही है ना, हल्का फुल्का सा पानी लगाया, लेकिन तूड़ी अच्छी है। सुमर भाई तूड़ी कैसी है? सही है ना, इंशाल्लाह ये है कि आप लोग भी अगर चाहें तो उनसे रابطہ कर सकते हैं थोड़ी के हवाले से। देखें अच्छा रहता है ना, आप हर किसी का अपना एक मामला है, मैं इसलिए ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ, देखें किसी के वजह से किसी की हेल्प ही हो सकती है ना एक तरीके से, क्योंकि मैं समझता हूँ लोग ऐसा होता है कि लोगों को मालूमात नहीं होती है, वो अपने ही किसी एक बंदे से ले रहे होते हैं, फिर ये होता है कि यार वो बंदा पता चलता है दादा में दे रहा था, तो ये कि गुराम भाई का रेफरेंस मेरे उसमें आप देंगे इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो बेनिफिट ही रहेगा। बाकी भाई जानवरों में नहलाया आई गेस इसको तो नहलाया है माशाल्लाह, ये तो दिख रहा है, और भाई रॉकी माशाल्लाह रॉकी में काफ़ी फ़र्क आ रहा है, रॉकी अब खुल रहा है भाई माशाल्लाह से ना, इसका जो है ना इसके अंदर बहुत
बेहतरीन प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा जी, ओ सामने अश्वद का चेहरा दिख गया यार। समीर क्या अश्वद दिखा दिया, मैं तो पता नहीं कितनी वीडियोस में ऐसे ही दिखा दिया, गलती से दिख जाता है यार अश्वद पीछे, हाइट जो हमने किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको भी नहलाया है ना, सबको ही नहला दिया। नहलाने वाले मार अलग ही दिख रहा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह साफ सुथरा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अश्वद दिखा दें क्या आज, समीर भाई अगर आप इजाजत देते हैं तो दिखा दें यार। अश्वद इतना इतना बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ देखा जाए तो, लेकिन अगर चल यार सबसे पहले अश्वद नहलाया है ना उसको, तो लिखा दे यार राजा ले आ भाई अश्वद, अश्वद जरा ले आ। और सिम्बा ये अपना रॉबिन, बाकी एक जानवर जरा इस तरफ जरा घूम लेते हैं। अच्छा हाँ, मैं एक और बछड़ा, मैंने वैसे वो जो वीडियो जो मैंने डाली नहीं है ना, उसमें मैंने भाई बबलू को दिखाया स्पेशली, क्योंकि बबलू बबलू भी ब्राह्मण में है और बबलू को मिस कर गया था मैं, और जो है ना सब बंदे ही मिस कर गए ना, मतलब ऐसा था कि हम लोगों का बिल्कुल भी जहन में ही रहा नहीं। बादामी को भी भाई नहलाया है माशाल्लाह माशाल्लाह, फखरे करीम भी माशाल्लाह यार। इस बच्चे को आज इसको भी खोलते हैं, फखरे करीम को भी खोलेंगे इसके बाद ना इंशाल्लाह। अश्वद आ रहा है भाई, और अश्वद कैसा हो रहा है आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, डर रहा है इस वक्त। ओए ओए, कमर हो गई है माशाल्लाह बच्चे की, बच्चा ही है खैर, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से। हाँ भाई माशाल्लाह, वाइड एंगल हुआ भाई ना, झालर खूबसूरत। क्या हुआ अशरफ, समझ नहीं रहा था ऐसे बच्चा। हाँ हाय, दूध जैसा कलर हो रहा है दूध, हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हल्का सा पकड़ लेना, हाँ अब जरा खड़ा तो सही था, खड़ा तो सही था भाई। आप लोगों को भाई अश्वद काफ़ी दिन बाद दिखाया, कैसा लगा ज़रा बताइए कमेंट में। इसकी खूबसूरती बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त है यार। नहीं हो रहा आज देर से, सिर्फ नाक कटा रहा है तू भाई। न्यू इंटरव्यू ये, ज़रा सामने आ जाए ज़रा हजरत आप। ये हमारा एक बंदा भाई, एक और बंदा जो बोला था। सलाम अलैकुम भाई, खैरियत से भाई? तौहीद नाम है इसका बच्चे का, और तौहीद नहीं, ये मामा का क्या है, मामा भी गए हुए भाई। अबे भाई सीन भी हुआ है मामा के साथ ना, ज़रा आपको वो बताऊँगा, चलें वो भी बताना है सीन क्या हुआ है भाई। तो क्या कहते हैं तौहीद ना भाई, अल्लाह पाक आपको इस फार्म में बहुत बरकत दे, आप यहाँ पे हक हलाल की कमाई करो, नेक नियती से काम करो अल्लाह करे, और खूब बरकत दे भाई आपके काम में यहाँ पर, ठीक है। तौसीफ का भाई है। किसका? ओए लग रहा था मुझे ये तौसीफ का भाई है, लग रहा था ये मुझे। अच्छा वाह भाई वाह, एक भाई हमारा सामने एक यहाँ पर है भाई, ये भी सही है भाई। चल भाई माशाल्लाह, ये अब देखना यार, देख अब खड़ा हुआ है ना बच्चा माशाल्लाह फुल पोज में, बेहतरीन भाई। आप लोगों को कैसा लगा इस वक्त, बहुत ज़्यादा टाइम बाद तो नहीं दिखाया, लेकिन ये कि फिर भी आप लोगों को इसकी हाइट वाइट में यकीन है और इसकी हेल्थ में भी डिफरेंस लगा होगा। चले मैं ज़रा फ़खरे करीम खुलवाता हूँ। चले भाई ये आ गया भाई फ़खरे करीम, और पीछे से अकल करो तौहीद। माशाल्लाह बच्चे की हाइट बहुत इंक्रीज हुई भी लग रही है मुझे तो, आप लोग भी बताइएगा भाई। मैंने तो मौला जट की भाई पुरानी तस्वीरें देखी अपने साथ की, उसने तो बहुत ज़्यादा कमाल की हाइट की है यार, मैं मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था यार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलर हो गया है भाई, क्या ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हल्का सा कलर, हल्का सा हाइट तो देखें कहाँ जा रही है माशाल्लाह इस बच्चे की। कलर में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है इस बछड़े का यार, अल्लाह नजर बस से बचाए भाई। माशाल्लाह सामने से लेकर आया, जरा बैग भी तो देखें कितनी माशाल्लाह भर गई है, धूप भी अच्छी है ना, ज़रा वीडियो अच्छी बन रही है। नसर भाई आ गए, ज़रा नसर भाई की कहानी सुनते हैं, उनकी ज़ुबानी कोई सीन पार्ट हुआ है भाई। माशाल्लाह सीना आ जाए सही, गोला उतर रहा है भाई माशाल्लाह, इसका टाइम लगेगा थोड़ा। आहा आहा आहा, कहाँ कहाँ जंपे। माशाल्लाह 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 यार, तू करा ना सही से करा दे फिर, अब जब कर ही रहा है वो एक। माशाल्लाह ओए ओए भाई, आप लोगों को फखरे करीम कैसा लगा, काफ़ी दिन बाद मैंने इसको आई गेस खोल के दिखाया है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। माशाल्लाह हेल्थ वाइज कलर वाइज और क्या कहते हैं
मतलब और बाकी जो भी आपको जिसमें बेहतर स्पेशल लगे वो बताइएगा कमेंट में। माशाल्लाह इसका जो ये चीज़ है ना यार, मतलब एक तरफ ब्राउन और एक तरफ वाइट वाला जो सीन है ना यार, ये ऐसा दिल पे, सीने पे हाथ मुँह करियो, सीने पे गोला जरा देख, दबा दबा, ये देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, माशाल्लाह सीना उतर रहा है, बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ झालर थी। अभी इंशाल्लाह 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 आप समझ लें 10-15 दिन बाद इसका और मज़ीद इंशाल्लाह होगा बेहतर। आए हाय आए, अब आया थोड़ा सही मस्ती में। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। चल चल ठीक है, बस इसको ले जा। मैं बोला काफ़ी दिन हो गए तो भाई इसको नहीं दिखाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चले कंटिन्यू करता हूँ। ये हाँ जोरावर भाई, तौहीद को भी अब नाम याद कराना। वैसे अभी तक उसको भी याद नहीं हुए, इंतज़ार को है ना, इंतज़ार को भी सही से याद नहीं हुए भाई। ये भी काफ़ी दिन से नहीं दिखाया, मैंने बोला ये भी दिखा देते हैं भाई। ये ना हो ना भाई शारिक भाई वो जाए नाराज़। यार माशाल्लाह सीना देखा तूने सभी, इसका झालर कैसी माशाल्लाह ज़बरदस्त, इसकी सीना भर गया है। ओए ओए थोड़ा हाथ मार इसके, वो लगा हुआ कचरा लगा कुछ। चल सही है, ये सही है माशाल्लाह। हाँ भाई दोस्तों जोरावर कैसा लगा आप लोगों को लाजमी बताइएगा भाई कमेंट में। बाकी यार तू वो लेकर आ, बबलू लेकर आ, भूल गए था भाई, बबलू दिखाता हूँ, बबलू कितना स्पेशल हो गया है वो भी दिखा। माशाल्लाह 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 भाई, उम्मीद है कि ये तो पसंद आ रहा होगा। ज़रा आज की एक और वीडियो में भाई, एक तो ये नसर भाई भी आ गए, इधर आओ दोनों, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। एक तो नसर भाई का, तुम्हारी हड्डियाँ वड्डियाँ सब सलामत हैं? हड्डियाँ नहीं है, सलामत है। हड्डियाँ सलामत नहीं है भाई, डेंगल कर लेते हैं भाई। यार ये इसको लेके क्यों खड़े हो? इसको भाई मोबाइल का, ये इसकी तो मिठाई तो होनी। ओए मोबाइल भाई, ओए देखो भाई ने असल में मुझे दिलाया, दिखाओ दिखाओ मोबाइल, नसर भाई ने दिलाया अभी अभी दिया इन्होंने लोगों को कमेंट अभी। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई समीद, आज तो बड़ी जो है ना स्पेशल वीडियो। ले लो मोबाइल, नहीं ले लो नहीं ले लो, समीद ने ले लिया है भाई। ओए होए होए लोगों की मोहब्बत है जो ले लिया है मैंने। हां इसीलिए तो नहीं, हां इसीलिए इसीलिए वो तो मिठाई मांग रहे हैं अपनी, तो मिठाई मांग ना, मिठाई तो आती रही है। रमजान चल रहे हैं, रोजे रख रहे हैं नसर भाई, अब आने वाले दिनों में सारे जितने भी रोजे बचे हैं ना वो रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। यार रोजे के बाद हो जाएगी तो क्या है, रोजे के बाद ही, रोजे के बाद ये क्या है तरीका भाई। माशाल्लाह से समीद को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप लोगों की भाई इस बात पे सपोर्ट बनती है और मजीद सैम एंटरटेनमेंट भाई सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट जो है ना अब और क्लियर होने वाला है इंशाल्लाह, और कंटेंट में बहुत बेहतरी आने लगी है। आप लोगों की दुआएं हैं जो कि ये मामला चल, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अभी जो सरप्राइज मैंने कहा अभी बीच में आके, तो सरप्राइज भी उसका भी इंतजार करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की दुआएं हैं, बिल्कुल भाई ये सब जो चल रहा है मामला, सपोर्ट चलती रहेगी तो हमारा भी कारवां आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ऐसे ही इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे। आज एक और बंदा आ गया, आप लोगों ने देखा, हाँ वो बंदा भी आ गया। न्यू एंट्री है भाई, बंदे की भी हुई है, जानवरों की भी तो हो रही है। चलो वो आप कवरेज करोगे स्पेशल भाई समीर के चैनल पे इंशाल्लाह, वो इसमें भरेगा नहीं। हाँ ना बिस्मिल्लाह होगी न्यू एंट्री के साथ। अब बबलू आ गया, जोरावर को एक तरह चक्कर लगा के उसको लेके जाओ। चले भाई इस और ज्यादा जरा लंबी नहीं करते, बस जो स्पेशल बेटा, अच्छा इसको सिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकर आगे से फिराई चीज हमें भी सिंधी आ जाएगी थोड़ी थोड़ी, उल्टी सीधी करते करते। वह भगा नहीं, भले ऐसे भी नहीं खींच। माशाल्लाह यार, इधर 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 लेकर पास लेकर आओ, पास लेकर आओ, यहाँ खड़ा करो, यहाँ खड़ा करो, झालर पे इसके प्यार करो, पास तो कर ले, रस्सी तो पहले पास कर ले। हाँ हाँ ओए माशाल्लाह मखमली लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। उम्मीद है कि जो है ना आप लोगों को भी पसंद आया होगा भाई, जोरावर भी काफ़ी माशाल्लाह बेहतरी की तरफ गया है नस्ल, माशाल्लाह बच्चा पला अच्छा पल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई आप ज़रा इसको देखें समीद भाई, बल्कि मैंने तो देख लिया। खैर मैं उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा भाई जोरावर। ये आ गया भाई बबलू, बबलू हमारा मिस हो गया था, और हमारा बहादुर भी मिस हुआ है भाई। बहादुर में भी है ना अपना लव लग रहा है, जो थोड़ी बहुत उसमें भी एक आता है कि जिससे वो ब्राह्मण फील होता है। बबलू तो बहुत मेरे से बहुत हमारी सबकी मिस्टेक थी, अशरफ वगैरह भी बाद में इनको होश आया कि हाँ भाई वो मिस हो गया। तो बबलू ये आ गया भाई,
और बबलू बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह चेंज हुआ है। मैं बल्कि जो है ना इसके फर्स्ट ऑनर जो थे हमारे पास, मतलब फैज़ान भाई जो हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो कमेंट करके बताएं भाई बबलू, क्योंकि उनका था पहले बहुत छोटा सा बच्चा लाया था लेकर आ आगे से, बहुत छोटा सा बच्चा आया था ये, तो ये वो बताएंगे भाई कितना उनको भी कितना हुआ। बाकी करीम भाई का ये कुर्बानी का है इंशाल्लाह, उनका भी मैसेज आया कि क्या हुआ हमारी भाई, हमारा बच्चा भी तो ब्राह्मण में है भाई, बिल्कुल है। और बस वो यही हुआ कि जहन से निकल गया। असल सीन ये था कि भाई हम लोग ना रमज़ान है ना खड़ा कर, तो सब जो है ना सबको कंटेंट था, इत्तेफाक है उस दिन जो है ना शामिर भी आया हुआ था, तो मैंने वीडियो करनी थी, समीद ने करनी थी, उसने भी करनी थी, तो इस वजह से वो जल्दबाजी में ज़रा निकल गया वो मामला। तो ये भाई बबलू है माशाल्लाह, बहादुर इंशाल्लाह मैं फिर कोई दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह दिखा दूंगा। हालांकि मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई है ना तो उसमें मैंने इसको भी, सॉरी दोस्तों ज़रा कट आ गया था, ज़रा एक मोबाइल में प्रॉब्लम। बहरहाल भाई आप लोगों को भाई बबलू भी काफ़ी दिन बाद मैंने सही से ऐसे खोल के दिखाया है, कैसा लगा इसका बॉडी शेप माशाल्लाह, और बच्चा आप लोगों को कितना चेंज लगा है ज़रा कमेंट में आप भी बताइएगा। बहुत छोटा सा आया था और अभी इंशाल्लाह दांतों में खैर दो दांत हो रहा है अब, ये तो ये है कि ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा ग्रो करेगा अब। बाकी यार नसर भाई तो मिस हो गए हमारे, अब ज़रा नसर भाई की थोड़ी सी कहानी सुनते हैं, उसके बाद ज़रा जो आज का स्पेशल बात है भाई उसकी तरह हम चलते हैं। अच्छा दोस्तों भाई जानवर तो अभी मैंने थोड़े बहुत दिखाए, इंशाल्लाह फिर देख लेंगे, नहीं तो समीद के व्लॉग में आप देख लीजिएगा। बाकी ये तो सब चलता ही रहता है, आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है, लेकिन कल कुछ इंसिडेंट हुआ है नसर भाई के साथ, मैं फार्म नहीं आया तो मैंने आपको बताया सर भाई, अफसोस हुआ सुन के, मुझे तो सुन के अफसोस हुआ, दिल से सच बता रहा हूँ बड़ा अफसोस हुआ। कल ऐसा हुआ कि ये बछड़ियाँ खुल रही थी, बछड़ी दो बार बार भाग के आ रही थी, कहाँ पे वो उधर लेके जा रहे थे नहलाने के लिए, सही है नहलाने के लिए, और उधर देख के बताओ ना तो वो समझ जाएंगे ना, हम बता देंगे। उधर से भाग भाग के आ रही थी, फिर मैंने उठा और उससे जो भागी नहीं, मैंने आगे आगे आया उसको रोकने के लिए और मैं गिर गया। अबे तो कौन कह रहे ऐसे सामने ताड़बन बन के आने लगे यार, मैंने तुमको 150 किलो 200 किलो वजनी थोड़ी, मैंने बोला रोक दूंगा और गिर गया। तुम्हारा 50 किलो वजन है, उम्र भी हो गई है, लोग भी कह रहे हैं अब गिर गया जो, तो उसने धक माना यानी सुना है बेहोश हो गए थे वाकई। हाँ सही बात है ना, फिर जो है नी ये नस पे चढ़ गया बिल्कुल, बछड़ी लात मारी है, चढ़ गई थी ऊपर और क्या, वो जो जो वो जो सलवार थी वो भी पूरी की पूरी फट गई है नीचे से। यार ये तो तुमने मुझे नहीं बताया सलवार फट, तो ये मेरी मेरे मेरी वीडियो के लिए रोका हुआ था ना, समझ रहे वो नहीं, मुझे बड़ा मुझे इसने बताया था कि ना नसर भाई के साथ ये हो गया, मैंने छूटते ही बोला कि क्या हुआ दवा वगैरह, वो कह रहे नहीं वो सही हुआ है, पेट भी फट गई थी बिल्कुल बिल्कुल, यानी नस पे लात रख दी। ओए और ये अभी कैसा, अभी क्या है, जंजीर इधर लग गया मेरे ख्याल में, अभी दर्द है यार, दर्द है ये चीज। नसर भाई तो दुखियारा ज्यादा रो दिया, नहीं नहीं वैसे हुआ है ये टक्कर मारी है इनको, और अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बाकी मैं तो कह रहा हूँ नसर भाई साथ चलो तुम भी आज, मैं ओ थोड़ा सा अरे स्पेशल व्लॉग है अभी, चलो ठीक है एक जगह हम भाई जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ भाई हमारा जो एक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ग्रो तो अपनी जगह हो रहे थे, लेकिन जब इनके साथ जो हमारा मामला जुड़ा है ना, और तब हमारा एक बहुत और ज़्यादा दिल खुला, हमारा जो है ना एक काम में और माशाल्लाह बरकत हुई, ये आप लोग के सामने 2 साल हो गए माशाल्लाह नसर भाई हमारे, और जो है ना अल्लाह करे और भी हो जाएगा भाई। तो मैं चाहता हूँ हमारी इस खुशी में, मैं सबको तो दिल तो बहुत है इंशाल्लाह वो तो जाए, ओ यार मैं कैसे इसको छुपाऊं, है क्या बात बतानी भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी मैं खास नसर भाई को साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि अम्मी अब्बू भी हैं, तो बाकी इंशाल्लाह वो जो अभी अनाउंसमेंट के बाद इंशाल्लाह इन सबको भी लेके जाएंगे, और चले अब जो है ना ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक चले भाई, समीद भाई आपने रिकॉर्ड कर लिया अनलोडिंग? हाँ अनलोडिंग भाई, निकलते निकलते एक जो है ना जिक्र किया था ना, तो जाके सैम एंटरटेनमेंट में जरूर देखिएगा। नसर भाई जी कहाँ जा रहे हो? इधर सरप्राइज है, इधर सरप्राइज, नसर भाई भी सीख गए कि सरप्राइज है कि वहाँ जा रहे हैं, ये अच्छा है भाई, इधर जाके बता जगह पे जा रहे हैं, जरा आपको वहाँ लेके चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं, और नसर भाई से ही पूछेंगे इनको इनको कैसा फील हो रहा है, हमें तो बहुत अभी से खुशी हो रही है, इनको कैसा फील हो रहा है जरा वहाँ जाके पूछेंगे। बछड़े नहीं आते,
ये बस सामने सीधा हाथ पे, वो सीधा हाथ पे अच्छा दोस्तों भाई आ गए भाई हम नसर भाई को लेके एक जगह पे, और ये मैंने जगह कुछ टाइम पहले दिखाई थी जब ये बड़ा एक अजीब सा जो है ना माहौल हुआ हुआ था, लेकिन अभी इस टाइम पे माशाल्लाह बिल्कुल एक जो है ना वो हुआ मैदान। नसर भाई भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना इंशाल्लाह अपना फार्म का दूसरी ब्रांच इंशाल्लाह जो है ना बनने जा रही है, तो बाद में बना दी, बाद में नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो कैसा जो है एक है सही है फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह, फिर इधर अपनी मेहनत करेंगे। यही सरप्राइज है भाई, यही सरप्राइज है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बुलवा देता हूँ जवाद भाई, जोहेब भाई को बुला लेते हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ना इंशाल्लाह यहाँ पे इंशाल्लाह करीम्स कैटल फार्म का दूसरा जो है ना वो बनेगा। भाई अब्बू को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आज अब्बू को भी लेकर आए थे, खैर मुबारक भाई। जवाद भाई आप लोगों का थैंक्स, कैसी ज़बरदस्त सी आप लोगों ने जो है ना जगह निकाली। मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था हम गरीबों के लिए, तो उसका मकसद ही यही था, मैंने बोला ही यही था कि ऐसे प्राइसिंग आपने जब बताए तो घर वालों से भी हिम्मत हुई, अब्बू ने भी बोला कि बेटा हिम्मत करो इंशाल्लाह। तो अम्मी भी बहुत खुश, और आप लोगों ने भी जो है ना भाई, मेरे ख्याल है वो सबसे पहली बुकिंग हमारी थी या बिल्कुल सबसे पहली बुकिंग ही आपकी थी। उसके बाद माशाल्लाह इतनी बरकती बुकिंग रही है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 25 प्लॉट ऑलमोस्ट सेल आउट हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 60 तो प्लॉट है इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए, सही वरना तो एक्सपेंशन बहुत बड़ी है जमीन की, क्योंकि हमारे पास है बहुत बड़ी जमीन है अपने पास। लेकिन अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हमने खोला था तो उसके अंदर अच्छा खासा तो माल तकरीबन बिक गया माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो जो आपने जिक्र किया था इंशाल्लाह टेंट करा के देंगे, तो आज वो बस साबित होकर दिया। टेंट का ये पहला फेज है, ये इतनी अच्छी टेंट नहीं हुई है, जो टेंट मुझे चाहिए थी वैसी टेंट नहीं है इंशाल्लाह ताला। चूंकि रमजान है, लेबर बिल्कुल हमारी सुस्त पड़ी हुई, इतना हम भी ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे। जो डेवलपमेंट सोची थी, जो प्लान है, वो उस पर हम स्टेक है, लेकिन वो पेस नहीं है अभी इंशाल्लाह ताला। मान लो रमजान के 10-15 दिन बाद आप देखिएगा इस जमीन में, आपको मजीद निखार नजर आएगा। स्टिल आपने देखा होगा बहुत बड़ा चेंज आ चुका है एग्जैक्टली भाई, लेकिन इंशाल्लाह रमजान के 10-15 दिन बाद इसमें आपको और बेहतर चेंज नजर आएगा। और माशाल्लाह चूंकि आपसे कमिटमेंट है और आपके सब्सक्राइबर से कमिटमेंट है, तो उसको इंशाल्लाह आपने फुलफिल करना और बहुत बेहतर अंदाज में फुलफिल करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा प्लानिंग के हवाले से पहले पूछना चाहूंगा, फिर मैं अपना एक बात भी बताऊंगा आगे चल के, जरा एक जो मैंने एक बात बतानी है जी। थोड़ा सा इधर की जो अपना एक तो नाम आपने जो रखा है, थोड़ा उसके हवाले से ब्रीफ करें। देखो मानी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अपनी जितने भी इससे पहले भी जो हमने सोसाइटीज़ बनाई हुई है ना, उनको भी प्रॉपर डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वो उस लिहाज से डेवलप नहीं थी माशाल्लाह से, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो उनको भी डेवलप कर रहे हैं। तो सबको हमने एक नाम दे दिया द इलीट फार्म्स के नाम से। हमारी अच्छा। जितने भी सोसाइटीज़ इससे पहले फार्म हाउसेज वाली बन चुकी है, तो उसका नाम दे दिया हमने द इलीट फार्म्स। अच्छा ये इलीट फार्म्स का जोन 5 है जहाँ पे अब हम खड़े। अच्छा इसकी प्लानिंग्स तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। जिस वक्त आपके साथ हमने पहली वीडियो करी थी, तो उस टाइम पे क्या था कि जमीन के ऊपर झाड़ था सारा, मतलब जिसपे तुमने बोला था कि टेंट करवा दे, तो जैसे पहले बताया टेंट भी करवा दी। अब इवन ये हो गया कि डिमार्केशन तक हो गई है, टोपोग्राफी डिमार्केशन वगैरह सारी चीज़ें हो गई है। अब असल में जैसे जो मैंने बताया ना कि अभी थोड़ा सा लेबर भी सुस्त हुई हुई है, अब ये जो रोड्स है ना, ये रोड्स बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, ये वैसे हो जाएंगे जैसे कि अपने वो 60 फीट वाला रोड अभी जहाँ से हम एंटर हुए ना, जी जी जी, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। कारपेटेड नहीं करवाएंगे, कारपेटेड करवाने के बाद मसला ये कि यहाँ पे आते हैं ट्रक्स और कंटेनर्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही होती ना, तो ये रोड्स कुछ अरसे चलेंगे उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर जाती है। तो रोड्स बिल्कुल लेकिन होंगे सीधे कि आपको वहाँ से थ्रू आउट गेट से यहाँ तक आने में या यहाँ से आगे जाने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इंशाल्लाह इसमें स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का भी प्लान है कि पूरी प्रॉपर इसको सोसाइटी को रोशन रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी और भी जो है वो प्लान्स किए हुए हैं, जिसमें कॉन्टोरिंग भी अभी हम लोगों ने करवाई है, जिससे लेवल्स वगैरह भी पता चल जाएंगे, लेकिन उसको सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ के ऊपर शायद हम चले जाएं। बट अभी हमारा प्लान यही है कि हर बंदे को बोलें कि वो अपना सेवरेज का इंतज़ाम खुद करे, जैसे सेप्टिक टैंक्स आपने भी अपना बनाया हुआ है। बट अगर कोई चांस बनता है, हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, तो वो सेवरेज का भी इधर एक निज़ाम दे देंगे।
बाकी बिजली के लिए मसला ये कि यहाँ पे बिजली अगर मैं करवा भी दूं ना, मीटर आ सकता है, बहुत आसानी से सबको मिल सकता है, बट वो है कमर्शियल। सही, कमर्शियल बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो मेरी लोगों को सजेशन यही है कि सोलर के ऊपर ही चले जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी हमारे यहाँ पे ना 3 से 4 बोर ऑलरेडी हुए हुए हैं, लेकिन अभी वो ऑपरेशनल नहीं है। सही, अब उनको मैं ऑपरेशनल करवाऊंगा और मैं देखूंगा और हम देखेंगे कि क्या प्लान हो सकता है कि हम लोगों तक पानी पहुंचा सकते हैं या नहीं। भी बहुत कमाल हो जाएगा वैसे अगर ये पॉसिबल हुआ हमारे लिए, क्योंकि जो जितनी कॉस्ट पे हमने अभी दिया है और जो कॉस्ट इसकी है, तो वो फिर ये कि हम डेवलपमेंट चार्जेस अलग से लोगों से डिमांड कर सकते हैं। बट ऐसा ना हो ना कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जितने का प्लॉट नहीं था उतने की डेवलपमेंट चार्जेस आ जाए तो लोग बोलेंगे यार हम खुद ही करा लेते हैं। सही बात, तो ये वाला है अभी। प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, प्लानिंग तो बहुत है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको फर्दर आहिस्ता आहिस्ता उतरेंगे। अच्छा, एक चीज हम लैक कर गए अभी तक, अंकल माशाल्लाह मौजूद है, मानी भाई ने डन किया हुआ है, तो दुआ अगर अंकल करा दें बिल्कुल हम फिर प्रोसीड करें इसको। तो दुआ या खुद ही कराए। अच्छा जी, सब दुआ कर लेते हैं, आप लोग भी भाई आमीन कह दिएगा। अल्लाहु सल्लम अला का, अल्लाह पाक हमारे भाई काम में बरकत अता फरमाए, जिस मकसद के लिए लिया है इसमें हमें हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी लोगों का यहाँ पे कारोबार हो, हमारे समेत हमारे बंदों समेत सब हलाल कमाएं और हक का जो है ना अपना हक अदा करके जो है ना हलाल कमाएं। बाकी ये है कि भाई जितने भी लोगों ने यहाँ पे अभी तक पे भी ना ज़मीन बुक करा ली है और या इरादा हो रहा है कराएंगे, तो अल्लाह पाक उनके भी कारोबार में उनके मकसद में जो है उनको कबूल फरमाए, उनको जो है कामयाब फरमाए। और हमें जो है दूसरों से जैसे मतलब धोखा दही करके कमाने से जो है अल्लाह पाक बचाए, और हराम लुकमा पेट में जाने से बचाए अल्लाह पाक, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। और बस यही दुआ है इस मौके पे, यही दुआ आई गेस है। और आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारे जो है इस काम में खैर और बरकत अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों भाई ये है, बाकी मैं आपको आपको शुक्रिया, अब्बू को बहुत बहुत मुबारक हो भाई। ये फर्स्ट हमारा जो है ये भाई रमजान है, रोजे हैं, वरना मिठाई से मुंह मीठा होता, लेकिन ये जरूर होगा। और बिल्कुल जो है ना मेरी अम्मी को भाई मुबारकबाद, वही है असल में रमजान है, थोड़े सुस्त चल रहे हैं सभी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा नहीं इंशाल्लाह, बाकी नहीं हमारा, मैं जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं हमारे करीम फेडरल फार्म को जब वो फॉलो वो करते हैं, सपोर्ट देते हैं, वो ये लोग बहुत दुआ करते थे कि अल्लाह पाक जो है ना अल्लाह करे कि आप लोग अपनी ज़मीन पे अपना फार्म बना के करें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीर भाई वाली जगह है, कभी उन्होंने हमें ये फील नहीं होने दिया कि ये उनकी हम किसी रेंट पे हैं, उनका भी इस सपोर्ट पे थैंक्स है उस चीज़ पे। बाकी ये है कि लेकिन जाहिर है अपनी जगह है, आज एक खुशी का एक मुझे एक पैमाना एक अलग है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अब्बू को ही इस बात पे क्रेडिट देना चाहता हूँ, हमेशा से उन्होंने सपोर्ट किए। और फिर मेरा साथ जो समीद का साथ है, 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है साथ, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आमीन और ज़िंदगी भर ये हमारा साथ रहेगा। तो जो है ना ये एक ऐसा पार्टनर था जिस वजह से ये मुमकिन है कि हम जो है साथ बढ़े जा रहे हैं। कभी हम लोगों ने एक दूसरे को खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें जो है ना ये आए कि यार मैं आगे हो जाऊं, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह साथ रहने का ही हुआ है सिलसिला। तो एक अल्लाह का शुक्र है इस बात पे। और तो बाकी ये कि दोस्तों बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सभी को भी मुबारकबाद हो भाई। हम दोनों तो दोस्तों भाई बस इसी तरीके से आप लोगों की भाई सपोर्ट चाहिए है। और ये नहीं है कि आज ज़मीन ले ली है और पूरी मेरा अभी 2000 गज के अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक और बात, पहले यही होता था हम वीडियो करते थे और ये आता था कि यार मानी भाई आप ख़ुद तो ले ही रहे, तो भाई इस दफ़ा हिम्मत हुई, अल्लाह ने तौफीक दी, एक इतनी इस्तेआत हुई जवाब भाई लोगों की सपोर्ट के बदौलत ये स्टेप लिया और ख़ुद लेके इस चीज़ को, और ये बाकायदा मैंने परचेज किया है, ये कोई ऐसा नहीं। इंशाल्लाह आप इस पे यहाँ पे फार्म बनते हुए देखेंगे जब अल्लाह ने चाहा, तो इस बात का एक सबूत हो जाएगा। वो ये नहीं है कि भाई हमने कोई ना वीडियो के चक्कर में, ऐसा नहीं है। आज मैं अपनी फैमिली को भी इसीलिए लाया कि भाई एक बड़ी एक हमारे लिए अचीवमेंट है हमारी एज अ टीम, और एक आप लोगों की दुआ इतनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अल्लाह का शुक्र है। कोशिश अभी मेरी ये है
कि अल्लाह ने अगर तरतीब बनवा दी, दुआ करें, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश में हूँ कि नेक्स्ट सीजन थोड़ा सा इंशाल्लाह नहीं। अच्छा एक और बात क्लियर कर दूं, ऐसी बात भी नहीं है कि यही जगह हम शिफ्ट हो जाएंगे, सिर्फ वो फार्म हमारा अपना वही रन होगा। मैं बहुत वहाँ पे जो है ना वो कहते हैं ना फलना फूलना वाली बात या राज आ जाने, राज आ जाने, लकी जगह रही, लकी बन गई वो जगह, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे कहीं और बुलंदियों पे चल रही है अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि वो भाई मैं इरादा बिल्कुल नहीं है छोड़ने का। तो खैर बहुत शुक्रिया वीडियो तक देखने के लिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।